-3/7, कुछ कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल करो, नहीं कैंसिल हो रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इस मल्टीप्लाई का मतलब ही होता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से. 5 3 15, माइनस माइनस प्लस, 8 7 56, दिस इज योर नंबर. अब इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स अगर आप फाइंड आउट करोगे तो मैंने बोला रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी कि न्यूमरेटर चेंजेस टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेंजेस टू न्यूमरेटर. इन सेम वे फिफ्थ पार्ट, -1 × -2/5, सो हमारा क्वेश्चन ही क्या चेंज हो गया, -1 × -2, इट मीन्स 2/5 का अगर आपने मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स निकालना है तो न्यूमरेटर 2 चेंज हो जाएगा डिनोमिनेटर में, 5 चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर में. इन सेम वे अगर आपका क्वेश्चन ये है, इसको लिख सकते हो 1/1, तो ये क्या बन जाएगा, 1/-1. सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. हाँ जी, इसने बोला -4/5 × 1 = 1 × -4/5. मैंने आपको कल एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें अगर मैं 1 से किसी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा. तो 1 वहाँ पे क्या था, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, एक ऐसा नंबर जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. तो वो वाली प्रॉपर्टी कैसी है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. तो यहाँ क्या लिखूंगी, हेयर 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, -13/17 × -2/7 इज इक्वल टू, अभी अभी मैंने बताया था a × b इज इक्वल टू b × a. दिस इज a, दिस इज b. a × b इज इक्वल टू b × a. इट मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट, -19/29 × 29/-19. अगर आप देखोगे तो -19 से -19 आपका कैंसिल हो रहा है और 29 से आपका 29 कैंसिल हो रहा है. तो अगर मैं देखूं एक ऐसा नंबर उसको मैं उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मेरे पास आंसर 1 आ रहा है. तो इस नंबर को मैं क्या बोलूंगी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. उसने बोला मल्टीप्लाई 6/3 को मैंने मल्टीप्लाई करना विद रेसिप्रोकल ऑफ दिस, रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, इट मींस रेसिप्रोकल ऑफ दिस 16 चेंजेस टू न्यूमरेटर एंड -7 चेंजेस टू डिनोमिनेटर, राइट. तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, 16/-7. लेकिन इसको मैं कभी भी नेगेटिव नहीं लूंगी, डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं लूंगी. तो मैं क्या करूंगी, इसको -1 से मल्टीप्लाई -1 से डिवाइड. तो क्या क्वेश्चन बन गया आपका, 6 -16/7 -16/7. एंड वी नो 16 × 6 इट मींस 96 एंड 3 × 7 13 × 7 = 91. सो योर आंसर इज -96/91. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी का नाम आपने बताना है. अभी अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी a × b × c. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं a × b × c, ए क्या है, वेयर ए इज इक्वल टू 1/3, बी इज इक्वल टू 6 एंड सी इज इक्वल टू 4/3. अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी अभी अभी बताई थी, a + b + c = a + b + c, और a × b × c = a × b × c. इट मीन्स पहले b या b और c को मल्टीप्लाई करके a से मल्टीप्लाई करूं या पहले a को b से मल्टीप्लाई करके c से मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर क्या रहेगा, सेम. और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, एसोसिएटिविटी. इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस. मेरे को बताना है कि ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है या नहीं. सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको चेंज करो प्रॉपर फ्रैक्शन में. 8 वन ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, यानी कि -9/8. और हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8/9. और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या कहता है, न्यूमरेटर चेंजेस टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर चेंजेस टू न्यूमरेटर. लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ पे तो कोई नेगेटिव साइन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है. और दूसरा मेथड आपका क्या है, -9/8 को 8/9 से मल्टीप्लाई करके देखो. 8 से 8, 9 से 9, क्या मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, 1 होती है. लेकिन यहाँ तो मेरा क्या आ रहा है, -1, इट मीन्स नो. रीजन क्या है, बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई देम आंसर इज -1, एंड -1 इज नॉट अ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. -1 इज नॉट अ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. इट इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस. 0.3 अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूं तो क्या बन जाएगा, 3/10, डेसिमल मैंने रिमूव कर दिया. और यहाँ क्या था, 3 × 3, 1/3, 3 × 3 = 9, 9 × 1 = 10, 10/3. तो 3/10 × 10/3, सबसे पहले जिसको आपने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बनाना उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो. अगर आंसर आपका 1 आ जाए तो इट मीन्स यस, इट मीन्स यस. और रीज़न आपके पास है ये. नेक्स्ट, ट्रू, इसने बोला है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल. मेरे को इसका आंसर देना है, मेरे पास ऐसा रैशनल नंबर ढूंढो जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है. 1, 1 का रेसिप्रोकल है, शुरू से शुरू हो जाते हैं 0. 0/1 इज अ रैशनल नंबर, बट क्या 1/0 रैशनल नंबर है. 1/0 क्या है मेरे पास, नॉट डिफाइंड. तो एक ही ऐसा नंबर होता है आपके पास जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता रैशनल नंबर में, वो क्या होता है, 0. वो क्या होता है, 0. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 इज द ओनली नंबर, 0 इज द ओनली नंबर. नेक्स्ट, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल. एक ऐसा नंबर बताना है, ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो कि अपने रेसिप्रोकल के क्या होता है, इक्वल. 1/1 इज इक्वल टू 1, इन सेम वे -1 इज इक्वल टू -1/1 इज इक्वल टू -1/-1, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी हम नेगेटिव छोड़ती नहीं है, इसको चेंज कर देंगे. तो आंसर क्या हो जाएगा, -1 and 1. नेक्स्ट, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. ऐसा कोई रैशनल नंबर है जो उसकी नेगेटिव के इक्वल होता है, 0 और 0, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होती, 0 ना नेगेटिव होती. तो ओनली एक ऐसा नंबर है जो कि अपने नेगेटिव के भी इक्वल होता है, क्योंकि 0 पे हम कोई भी साइन अप्लाई नहीं कर सकते. ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 10. लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट, 0 हैज़, क्या अभी अभी हमने किया क्वेश्चन, 0 हैज़, क्या 0 का कोई रेसिप्रोकल है, नो. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो. द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओवन रेसिप्रोकल्स. अभी बताया 1 और -1 ऐसे दो नंबर हैं जो अपने आप में एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल. नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ 1 - 5, -5 का रेसिप्रोकल 1/-5. लेकिन मैं इसको -5 नहीं छोड़ सकती, तो मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आ गया, -1/5. रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल, फॉर एग्जाम्पल 1/5, 1/5 का रेसिप्रोकल 5 आपका क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर. सो यहाँ पे x है तो ये x क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x. द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, दो रेशनल नंबर 1/2 × 1/4 मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 1, 4 × 2 = 8, ये भी तो एक रेशनल नंबर है. तो दो रेशनल नंबर्स का अगर मैं प्रोडक्ट फाइंड आउट करूं तो वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर.
रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव, अब देखो ये भी पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव नंबर था, इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो उनसे भी कैसा आया पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।